कार्यक्रम के आयोजक हैं सकल दिगंबर जैन समाज बसवा राजस्थान। राजस्थान प्रांत के दौसा जिले की धर्मदरा बसवा में स्थित है अतिशय क्षेत्र श्री दिगंबर जैन मंदिर काला बाबा। लगभग 1000 वर्ष प्राचीन इस मंदिर में विराजमान है मूल नायक श्री पद्म प्रभु भगवान की प्रतिमा। कसौटी के काले पाषाण से निर्मित यह चतुर्थकालीन प्रतिमा बसवा से लगभग 270 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अजमेर के पास केकड़ी स्थित गांव बघेरा से खुदाई के समय प्राप्त हुई थी। माना जाता है कि वहां के लोगों ने इस प्रतिमा को उठाने का भरपूर प्रयास किया किंतु यह अपनी जगह से हिली तक नहीं। तदुपरांत जब बसवा ग्रामवासियों ने उस प्रतिमा को भक्ति भाव से उठाया तो प्रतिमा किसी फूल की भांति उठकर रथ पर विराजमान हो गई और भक्तों ने इसे ले जाकर मंदिर जी में मूल वेदी पर विराजमान कर दिया। इस वेदी के बाईं ओर आदिनाथ भगवान एवं दाईं ओर शांतिनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है। इसके अतिरिक्त बसवा में ही स्थापित श्री 1008 सुपार्श्वनाथ दिगंबर जैन पंचायती मंदिर में मूल नायक श्री सुपार्श्वनाथ जी भगवान सहित अन्य तीर्थंकर भगवंतों की अष्ट धातु निर्मित लगभग 700 वर्ष प्राचीन प्रतिमाओं के साथ साथ इस मंदिर में अति प्राचीन सुमेरु पर्वत एवं सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। तो वहीं बसवा में श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर संभवनाथ जी जतीजी का मंदिर श्री 1008 दिगंबर जैन मंदिर महावीर स्वामी नसिया जी एवं श्री दिगंबर जैन मंदिर पांड्या जी चंद्र प्रभु जी सहित कुल 5 जैन मंदिर स्थापित हैं। इसके साथ ही श्री दिगंबर जैन काला बाबा मंदिर से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पर अति रमणीय प्रसिद्ध आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर झांझी रामपुरा स्थित है जहां पास में ही गौमुख से अविरल जल धारा बहती है जो सभी तीर्थ यात्रियों के लिए दर्शनीय है। काला बाबा मंदिर तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिपुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से समाधिस्थ परम पूज्य सराकोद्धारक आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज परम पूज्य आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी महाराज परम पूज्य बालाचार्य श्री सिंहसेन जी महाराज एवं परम पूज्य आर्यकरत्न श्री 105 स्याद द्वादमती माता जी के सानिध्य में हुआ था और इसी पावन भूमि पर निवास करते हैं श्रावक श्रेष्ठ श्री दीवान अमरचंद जी बसवा जिन्हें विश्व प्रसिद्ध अतिशय क्षेत्र श्री महावीर के निर्माण कार्य कराने का मिला था सौभाग्य। यह तीर्थ क्षेत्र रेल एवं सड़क मार्ग से भी जुड़ा हुआ है जो तिजारा जी से 100 किलोमीटर एवं महावीर जी से 90 किलोमीटर की दूरी पर दोनों क्षेत्र से लगभग मध्य में स्थित है। यहाँ त्यागी व्रतियों के वात्सल्य भोज के लिए भोजनशाला एवं ठहरने के लिए धर्मशाला की उचित व्यवस्था है। प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु यहां आकर प्रभु दर्शनों के साथ ही प्रतिदिन होने वाली तीर्थ के मूल नायक श्री 1008 पद्म प्रभु जी भगवान की शांति धारा में सहभागिता कर अपने अशुभ कर्मों का क्षय करते हैं। आप भी अपने व अपने परिवार के नाम से प्रभु की शांति धारा कराकर अपना जीवन धन्य बनाएं। साथ ही क्षेत्र पर चल रहे विकास कार्यों में अपना सहयोग प्रदान कर महापुण्य का अर्जन करें। भोजनाय तलघर में 5 वेदियों के निर्माण की सहयोग राशि 11 लाख रुपए प्रति एक निर्माणाधीन भोजनशाला 1,11,000 रुपए देकर भोजनशाला स्तंभ के रूप में जुड़े। धर्मशाला की द्वितीय एवं तृतीय मंजिल पर 20 कमरे निर्मित किए जाने हेतु सहयोग राशि 3,51,000 रुपए प्रति एक। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक विवरण खाता नाम श्री दिगंबर जैन मंदिर काला बाबा भारतीय स्टेट बैंक शाखा बसवा खाता संख्या 6114072885 IFSC कोड SBIN00314000 यूको बैंक शाखा बसवा खाता संख्या 07250100002210 IFSC कोड UCBA00072 5। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7014708118 9414071860 9928328 3 2 9 8 7। मैं परम पूज्य जिनेन्द्र प्रभु को भाव से वंदन करूं मन वचन काय त्रयोग पूर्वक शीश चरणों में धरूं सर्वज्ञ केवल ज्ञान धारी की सुछवे उर में धरूं निर्ग्रंथ पावन वीत राग महान की जय उच्चरूं नमो अरते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेंजनम्बि सेच्यामि स्वाहा। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री काला बाबा पद्म प्रभु जिनेन्द्राय नमः।
ओम नमो अरते भगवते श्रीमद पाश तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य मही व्याप्ताय अनंत संसार चक परिमर्दाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वशम कराय सत्य ज्ञानाय सत्यमृण धरणेन फणना मंडल पंडिताय मुनि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर्संग उपसर्ग विनाशनाय घातिक्रम विनाशनाय अघातिक्रम विनाशनाय अपवायम अस्माकम मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम् सर्वराजभयम् सर्वअग्निभयम् सर्वशत्रुभयम् सर्वचोरभयम् सर्वदुष्टभयम् सर्वमृगभयम् सर्वात्मचक्रभयम् सर्वपरमन्त्रम् सर्वहृदयरोगम् सर्वकैंसररोगम् सर्वक्षयरोगम् सर्वकुष्ठरोगम् सर्वक्रूररोगम् सर्वनरमारीम् सर्वगजमारीम् सर्वाश्वमारीम् सर्वगौमारीम् सर्वमहिषमारीम् सर्वधान्यमारीम् सर्ववृक्षमारीम् सर्वगुणमारीम् सर्वपत्रमारीम् सर्वपुष्पमारीम् सर्वफलमारीम् सर्वराष्ट्रमारीम् सर्वदेशमारीम् सर्वविश्वमारीम् सर्ववेतालशाकिनीभयम् सर्ववेदनीयम् सर्वमोहनीयम् सर्वकर्माष्टकम् ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो बल सौर्य वीर शांति स्वाहा सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर खेत करवट पतन पतन दौड़मुट संभानंदनम सर्व लोकानंदनम सर्व देशानंदनम सर्व यजमानानंदनम सर्व दुखम आनंद दय पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम यशुखम त्रिषु लोकेशु व्याधि वैशम वर्जिता माभ्यम क्षेम मारोग्यम स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु। आज की शांति धारा के मुख्य पुण्यार्चक श्रीमती नैमी चंदी सुनीता जी जैन राहुल जी जैन मालवीय नगर जयपुर सुख समृद्धि हेतु श्रीमती रेखा जैन धर्मपत्नी श्री पवन जैन जयपुर स्वास्थ्य हेतु श्रीमती प्रेरणा जैन धर्मपत्नी श्री अमित जैन जयपुर स्वास्थ्य हेतु श्री सुधीर कुमार जैन एडवोकेट दौसा स्वास्थ्य हेतु श्री पारसमल जैन जवाहर नगर जयपुर स्वास्थ्य हेतु सभी अभिषेक एवं शानदारा करने वाले देखने वाले सुनने वाले एवं मंदिर जी में उपस्थित श्रावक श्राविकागण अभिवृद्धि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु नित्यम आरोग्यम मस्तु दीर्घायु रस्तु कुल गो धन धान्यम ओम नमो रते भगवते प्रक्षिण से दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांति नाथाय शांति कराय सब विघ्न प्रणाशनाशाय सब रोगाप मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्वत रोधा विनाशनाय सब क्षाम डामर विनाशनाय सर्वरि शांति कराय ओम राम ह्रीम रूम रोम रे असी आउषा नमः माम सब शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु स्वाहा श्री चंद्रप्रभ वासपुज मल्लिनाथ वर्धमान पुष्पदान शीतलनाथ नश्वतनाथ नैमिनाथ पार्षाथ इत्येभ्यो नमः मतलय नवनाथ शांतन मधुदक धारा वर्षण संपूजिकानां प्रतिपालिकानां तीन्द्रिसामान्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिने इस कार्यक्रम के आयोजक थे सकल दिगंबर जैन समाज बसवा राजस्थान।